या रिशु अपनी इनकम का 1% बचाती है, ठीक है, और फिर कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन है, यदि उसकी आय में यानी इनकम में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में यानी सेविंग्स में 50% की वृद्धि होती है। तो एक्स का मान क्या है, यानी आपको ये वाला निकालने के लिए कह रहा है, 1% यानी सेविंग परसेंट आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ओके, तो आते हैं यहाँ पे, टोटल हम लोग इस फिगर के थ्रू, इस लाइन नंबर लाइन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंडिचर कहाँ पे है। एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर ये रहा, 20% का वृद्धि हुआ है, लिख लीजिए 20%। इनकम, इनकम कितना के हुआ है, 26% की वृद्धि हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पे। हम लोग परसेंटेज से मतलब नहीं है, रेशियो निकाल के हम लोग आंसर निकाल देंगे, ठीक है। और सेविंग्स कितना है, 50%। अब बताइए, अगर इनकम और सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 50 माइनस डिफरेंस देख लीजिए, केवल 50 माइनस 26, 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर और इनकम को अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, सेविंग्स मिलेगा, जो कि 6 हो जाएगा, नहीं 26 माइनस 26, तो सेविंग्स को यहाँ पर लिख लीजिए बस आपको समझने के लिए, और एक्सपेंडिचर को 24 लिख लीजिए, यहाँ से मिल गया ना। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, कर भी सकते हैं या आपकी चॉइस है, कर लेने से थोड़ा सा और इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देख लीजिए, मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, 6 4 24 यानी 4, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सेविंग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, सेविंग परसेंटेज। तो 1 का सेविंग हो रहा है, कितना पे हो रहा है, इनकम पे हम निकालते हैं, तो इनकम देखिए एक्सपेंडिचर 4 है और सेविंग्स 1 है, तो पूरा इनकम कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, और हम परसेंटेज निकालने हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20%। बहुत ही आसान था ना। चलिए, अब सेम क्वेश्चन को आप थ्रू एलिगेशन मेथड भी आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं, कितना है इनकम, कितना हो रहा है, 26% की वृद्धि हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 26, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 20 है, तो यहाँ लिख 20, और सेविंग्स कितना की वृद्धि हो रहा है, 50%। अब अप्लाई कर देते हैं सेम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 24 का और यहाँ पर 6 का। इसको भी कर सकते हैं सिंपलीफाई या नहीं भी कर सकते हैं, तो ये देखिए एक्सपेंडिचर 24 और सेविंग 6 आ गया, तो 6 का सेविंग कितना, इनकम पे देखना है तो 24 प्लस 6 30 हो जाएगा ना, इनकम दोनों को मिला के 30, और जैसा कि हमको परसेंटेज निकालना है इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 6 5 30 और 25 100, यानी सेविंग्स निकल गया ना 20%, जो कि 1% था सेविंग, 1% मतलब 20%, यही तो हम लोग को निकालने का रहा था, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अगर अच्छा लग रहा है आपको कंसेप्ट, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल, ओके, फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस, ओके, सो दैट्स ऑल, ओके। और सही में अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो यह क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है।